अनुपमा के मेकर्स लीप की झलक दिखा चुके हैं। लीड रूपाली गांगुली विदेश पहुंचेगी। इससे पहले शो के कई किरदारों का पत्ता कटने की बात सामने आई थी, अब एक नया नाम कन्फर्म भी हो गया है। पहले रिपोर्ट्स थी कि वनराज यानी सुधांशु पांडे रिहेबिलेशन सेंटर गए हैं, लेकिन उनका रोल खत्म किया जाएगा। अब अनुपमा की बहू यानी कि किंजल निधि शाह भी शो में नहीं दिख रही हैं। किंजल और तोशु को विदेश सेटल होते दिखाया गया था, अब पता चला है कि वह शो छोड़ रही हैं। अब उन्होंने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर किंजल यानी निधि शाह के शो छोड़ने के चर्चे तेज हो चुके हैं। पिंक विला से बातचीत में निधि शाह ने बताया, मुझे लगता है कि यह शो छोड़ने का सही टाइम था। करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, यही सही रहता है कि किसी किरदार को ज्यादा न खींचा जाए और अच्छी तरह खत्म कर दिया जाए। मुझे लगता है कि शो में किंजल का ग्राफ जबरदस्त था, मुझे अच्छे ट्रैक्स और इमोशंस परफॉर्म करने का मौका मिला। निधि से पूछा गया कि उनका किरदार खत्म हो रहा है, यह जानकर उन्हें कैसा लगा। इस पर निधि बोली, मैं इमोशंस और भाव से भरी हूँ। मैंने बहुत शिद्दत के साथ किरदार को निभाया, 3.5 साल हो गए, मजाक तो नहीं है ना। मैं किंजल के काफी करीब थी और शो से कई दोस्त भी मिले, और मैं चीजों को स्वीकारने और आगे बढ़ने में यकीन रखती हूँ। निधि शाह ने बताया कि वह दूसरे प्रोजेक्ट जैसे टीवी शोज, फिल्मों और वेब सीरीज के लिए ऑडिशन दे रही हैं। किंजल ने कहा, जहां तक किंजल और अनुपमा का सवाल है, मैं मेकर्स के प्रति अपना आभार जताती हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, साथ ही फैंस का भी, जो किंजल और निधि की जर्नी का हिस्सा रहे। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।